हेलो गाइस, वेलकम टू आरएन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आरएन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको क्लास सेवेंथ मैथ चैप्टर 20 मेंसुरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज रेशियो 4:3 इफ द एरिया इज 7728 मीटर स्क्वायर टू फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट 30 पर मीटर। बच्चों, इसमें क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन होगा, लेंथ हमारे बच्चों क्या दिया है, लेंथ मान लेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ जो दिया है रेशियो में, तो इसको लेंथ इज इक्वल टू 4x ले लेंगे और ब्रेथ होगा 3x होगा। अब हमको क्या करना होगा कि एरिया दिया है बच्चों, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, 1728 मीटर स्क्वायर इनटू लेंथ क्या होगा बच्चों, 4x इनटू 3x, ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। अब बच्चों, हमको क्या करना होगा कि ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1728 अपॉन 12, डिवाइड कर देंगे तो 1, फिर 4 हो जाएगा और फिर 4 होगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि यक्स इज इक्वल टू √144, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। अब बच्चों, हमको क्या लिखना होगा कि यहाँ पे हम लेंथ लिख रहे हैं, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, दिया है हमारा 12 दिया है बच्चों, तो लेंथ हमारा 4x दिया है, तो 4x का मतलब 4 × 12 हो जाएगा, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ब्रेथ कितना दिया है, बी ब्रेथ ब्रेथ जो है बी जो दिया है आपका दिया है 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 12 = 36। अब हमारा एरिया यदि हम निकालेंगे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा कि 2 पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इसका क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, तो ए होगा 2, लेंथ के जगह पे क्या होगा कि 48 हो जाएगा और प्लस ब्रेथ के जगह पे क्या होगा, 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 2 × 84 हो जाएगा, ये होगा 168 मीटर। अब लिखेंगे बच्चों की कास्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 रुपीज। कास्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू 30 रुपीज होगा, तो कास्ट आप कितने का निकालने के लिए कह रहा है बच्चों हमें, 168 मीटर, तो कास्ट ऑफ वन फेंसिंग
168 मीटर इज इक्वल टू 30 इंटू, और ये हो जाएगा 168, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 और 2 25, इतना क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों यदि अब कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। मैं बच्चों आपको इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूँगा। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगल में भर की कामना करता हूँ। मैंने आर्यन एजुकेशनल ऐप्स पर आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया बच्चों, तो आप मेरे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करें। गुड नाइट, थैंक यू, वॉच टू वीडियो।